नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आन बान और शान के साथ देश भर में मनाया जा रहा है 69वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर फहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। ज्योति प्रकाश निराला मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित। राजपथ पर दिखी देश की सैन्य शक्ति, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, होजी रडार, स्वाति आकाश मिसाइल प्रणाली और T-90 भीष्म टैंक का प्रदर्शन। BSF के महिला बाइकर दस्ते ने दिखाए बेहतरीन करतब। गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 आसियान देशों के प्रमुख खास मेहमान। राजपथ पर दिखी आसियान देशों के साथ रिश्तों को दर्शाती झांकी। आपसी संबंधों के नए युग की शुरुआत। राजपथ पर परेड में सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन। विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की 23 झांकियां। पहली बार दिखी आकाशवाणी की झांकी। गुजरात की झांकी में साबरमती आश्रम और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की झलक। और राज्यों में भी 69वें गणतंत्र दिवस का जश्न। विभिन्न प्रदेशों में राज्यपालों ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सीमा पर सेना के जवानों में भी उत्साह। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में ITBP जवानों ने लहराया तिरंगा। देश आज पूरी आन बान और शान के साथ 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह दिल्ली में सुबह राजपथ पर हुआ, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने भारत के शौर्य, पराक्रम और सांस्कृतिक विविधता का नजारा देखा। देश की दिनों दिन बढ़ती सैन्य ताकत, बहुरंगी संस्कृति और विविधता में एकता की विरासत की झलक के साथ साथ इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आसियान देशों की संस्कृति और सभ्यता की झांकी भी देखने को मिली। पहली बार 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी ने इसे ऐतिहासिक बनाया। ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार एक साथ 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। परेड के शुरू में वायुसेना के 5 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट किया और गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात की। Traversing Rajpath now, the Air Force marching contingent led by Squadron Leader Atul Singh Sekhon. Flight left. And this is the Air Force tablet. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करके कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर, जिनकी अफगानी की है श्रीमती निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री ने, साथ में रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख। ग्रीटेड वार्मली बाय द डिफेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर अबाउट टू ले द रीथ एंड देन द ब्यूगलर्स विल साउंड द लास्ट पोस्ट व्हिच विल बी फॉलोड बाय 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। वर्ड्स फॉल शॉर्ट, लैंग्वेज कैन। Thank you.
इसके बाद प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। झंडारोहण बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को शांतिकाल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। ज्योति प्रकाश निराला की पत्नी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान हासिल किया। शहीद ये सम्मान के समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी भावुक हो गए। भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी गरुड़ कमांडो को अशोक चक्र से नवाजा गया है। गरुड़ कमांडो जेपी निराला 3 महीने पहले ही आतंकरोधी अभियान के तहत स्पेशल ड्यूटी पर कश्मीर के हाजिन में सेना के साथ तैनात थे, जहां वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले वायुसेना के इस जवान ने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया था। राजपथ पर भारत की सैन्य शक्ति की झलक देखने को मिली। राजपथ पर शानदार परेड निकाली गई। इसके जरिए भारत ने दुनिया के सामने अपना दम दिखाया। तीनों सेनाओं ने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। 19 armored regiment, a highly versatile armored fighting vehicle, T-90 of Bhishma is fitted with thermal imaging system, NBC protection system and fire control system. Knowledge, humility and valor. MOS missile system, Khoji radar, Swati, Akash missile pranali aur T-90 Bhishma tank ka Rajpath par pradarshan kiya gaya. गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जिसका मंच बनता हुआ राजपथ। आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता देश की सैन्य शक्ति को दर्शाते हुए अत्याधुनिक हथियार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरीके से चुस्त, मुस्तैद, सतर्क। अगला दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 12 गार्ड्स के BMP-2 का, नेतृत्व कैप्टन अर्पित। राजपथ पर भारत की सैन्य शक्ति की झलक देखने को मिली और शानदार परेड निकाली गई और इसके जरिए भारत ने दुनिया के सामने अपना दम दिखाया। तीनों सेनाओं ने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया और दुनिया ने की ताकत देखी। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ओजी रडार स्वाति, आकाश मिसाइल प्रणाली और T-90 भीष्म टैंक का राजपथ पर प्रदर्शन किया गया। राजपथ पर अगला दस्ता 881 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मेघराज यादव। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इनमें सुखोई MK-4, सुपर हर्क्यूलिस, ग्लोब मास्टर, सुखोई जगुआर विमानों ने राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी। एंड द फ्लाई पास हियर एट रिपब्लिक डे परेड हैव अ वे ऑफ इम्प्रिंटिंग देमसेल्व्स इन अ नेशंस मेमोरी। दे आर इन फैक्ट अ फॉर्म ऑफ एन एरियल सैल्यूट एंड दे शो रिस्पेक्ट, डिस्प्ले एयरक्राफ्ट एंड शोकेस फ्लाइंग स्किल्स इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टू डिलाइट द पब्लिक एंड वी कैन सी दे आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। विक्ट्री आकृति के साथ हर्क्यूलिस फॉर्मेशन, 3 C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान 300 मीटर की ऊंचाई पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन एस गोपी मोहन ने। राजपथ पर महिला शक्ति का दम भी दिखा। पहली बार BSF का सीमा भवानी दस्ता मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते हुए दिखाई दिया। A salute to the president. He
महिला डेयर डेविल्स ने राजपथ पर बेहतरीन करतब दिखाए। परिभाषा देते हुए फिश राइडिंग फॉर्मेशन, एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बीएसएफ की जवान महिला आरक्षक बॉबी राभा साथ दे रही हैं महिला आरक्षक सुमन सूत्रधार। साइड राइडिंग लेडी कांस्टेबल कुमुदनी टोपो सीन बैलेंसिंग हरसेल्फ ऑन हर मोटरसाइकिल विद हर लैपटॉप and communication set up displaying the digital India message. फौलाद भरा है सीने में हथेलियों पर जान नारी कोमल हृदय है पर है शक्ति की पहचान महिला आरक्षक सुमिता सिकदर और सरस्वती लामा। प्रचंड बाले शक्तिमान The team of women motorcycle riders led by lady constables Ranjana Taram and Pushpa Yadav. पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनते हुए सीमा सुरक्षा बल की ये जवान फोर हार्मोनी अद्भुत संयम के साथ शांति और आपसी भाईचारे का संदेश और अब मोबाइल पीटी महिला आरक्षक हंसा डिडवानी व्यायाम स्वास्थ्य वर्धक होता है लेकिन ये व्यायाम है या खतरे का इंतजाम हम बिल्कुल भी चयन मत कीजिएगा। बुल फाइटिंग लेडी कांस्टेबल्स रेशु बालियान एंड बलजीत कौर फाइनली बैलेंसिंग देमसेल्व्स ऑन अ सिंगल मोटरसाइकिल इन अ बुल फाइटिंग पोज। आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ एक मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए छह सीमा भवानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की फॉर्मेशन में अद्भुत संतुलन का नमूना पेश करते हुए सप्तऋषि डिस्प्लेइंग अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस द फॉर्मेशन लेड बाय लेडी कांस्टेबल राजपाल कौर। और अब पांच मोटरसाइकिल पर 30 जांबाज सीमा भवानी पांच कमल के फूलों का गुलदस्ता लेकर आ रही हैं आगे बढ़ रही हैं महिला आरक्षक विजेता भालेराव भाग्यश्री शोभना चौधरी मनदीप कौर और आरती पैंकरा। ये बताइए कि ये इंसान है या मशीन या फिर सर्कस ये है पवन चक्की फॉर्मेशन के साथ। This is the windmill formation. Seven motorcycle riders on a single motorcycle, led by Lady Constable Ravinder. एक मोटरसाइकिल पर आठ वीरांगनाएं अत्याधुनिक हथियारों से लैस जाहिर करती हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा मुस्तैदी से की जा रही है। भारत के मुस्तैद प्रहरी चार मुस्तैद प्रहरी देश की हिफाजत करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रदर्शन करते हैं। सरहद के निगहबान फोर सीमा भवानीज ऑन अ सिंगल मोटरसाइकिल शोकेसिंग द स्ट्रिक्ट विजिल बाय द बॉर्डर पर्सनल एट द बॉर्डर्स द फॉर्मेशन लेड बाय लेडी कांस्टेबल। राजपथ पर आसियान देशों के साथ संबंधों का नया अध्याय लिखा गया। पहली बार सभी 10 आसियान देशों के नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनमें म्यांमार इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम फिलीपींस कंबोडिया लाओस सिंगापुर ब्रुनेई और थाईलैंड की सरकारों के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में राजपथ पर 10 आसियान देशों के नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक पगड़ी पहनी हुई थी। परेड की शुरुआत में भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स के जवानों के दस्ते ने आसियान के साथ ही 10 आसियान देशों के ध्वज के साथ मार्च किया। एंड राइट बिहाइंड देम मार्च परेड फॉर सम टाइम।
राजपथ पर आसियान और भारत के रिश्तों को दर्शाती झांकी भी पेश की गई। With the front portion of the tableau portraying the Mahabodhi temple and the Bodhi tree at Bodh Gaya, where Gautam Buddha attained enlightenment, this is the second ASEAN-India tableau. Projecting religion is one of the strongest linkages between India and the Southeast Asia. दिल्ली के माउंट आबू स्कूल के बच्चों ने भी आसियान के साथ भारत के संबंधों के 25 साल पूरे होने को पेश किया। और राजपथ पर परेड में झांकियों की अगवानी ऑल इंडिया रेडियो की झांकी ने की। इसमें आकाशवाणी के 8 दशक के सफर को दिखाया गया। साथ ही झांकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात करते हुए दिखाया गया। झांकी आकाशवाणी की 8 दशक की यात्रा झांकी। आज है शक संवत 1939 के माघ मास की 6 तिथि, तदनुसार शुक्रवार 26 जनवरी 2018। आप सबको राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। And now from the Ministry of External Affairs, ASEAN। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां पेश की गईं, जिन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश की बुद्ध को समर्पित झांकी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, त्रिपुरा जैसे राज्यों की भी मनमोहक झांकियां निकली। लंकाधिपति रावण। और परेड में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले 18 बच्चे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इन बच्चों को सम्मानित किया था। Including 7 girls and 11 boys have been selected for the National Bravery Awards 2007 sleigh. The recipient of the Bharat Award, Kumari Nazia from Uttar Pradesh. The Geeta Chopra Award for Kumari Netravati M. Chabhan from Karnataka, posthumous. And the Sanjay Chopra Award for Master Karanbir Singh, Punjab. And all the winners and recipients of the Bapu. इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक झलक पेश की गई। पुलिस उपनिरीक्षक कल्याणी कासोदे, पुलिस चालक अमृत पोल, दूसरा गाड़ी से नेतृत्व करुण वॉटर कैनन, यह नेतृत्व करता है सहायक पुलिस उपनिरीक्षक प्रवीण। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।
बिहार की राजधानी पटना भी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबी नजर आई। पंजाब के अमृतसर में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर सर इस साइड मत खड़े हो जाइए सर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कोलकाता में तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक ने तिरंगा फहराया। वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। और सीमा पर सेना के जवानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में ITBP के जवानों ने तिरंगा फहराया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब स्वराज यानी आजादी को सुशासन में बदला जाए। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि 68 साल पहले हम भारत के लोगों ने अपना संविधान खुद को अर्पित किया था, ताकि देश के सभी नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने लिखा कि कोई भी देश के इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि गणतंत्र दिवस हम सबको एक अवसर देता है कि हम आत्मनिरीक्षण करें। आज हम एक युवा देश हैं, हमारी 2/3 आबादी 35 साल से कम उम्र वालों की है। हमें इस मानव पूंजी को व्यवहारिक शिक्षा, कौशल, ज्ञान और नजरिए से लैस करना है, जिससे देश उच्च विकास के पथ पर चलने के योग्य बन सके। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 85 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए चुना गया है। इनमें से 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 73 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 16 विदेशी अप्रवासी भारतीय शामिल हैं, जबकि 3 को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। आसियान से संबंधों को बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए 10 आसियान देशों के 1-1 नागरिक को भी पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में कला, संस्कृति, खेल के साथ मानव सेवा और कुछ नया करने वालों को जगह दी गई है। कला और संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले तमिलनाडु के इलैया राजा, महाराष्ट्र के गुलाम मुस्तफा खान के अलावा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले केरल के पी परमेश्वरन को साल 2018 के लिए देश के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है।
वहीं पद्म भूषण के लिए खेल से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को चुना गया है। कला संगीत के क्षेत्र से भोजपुरी की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा के अलावा अरविंद पारेख और लक्ष्मण पाई पद्म भूषण इन्हें मिलेगा। और इनके अलावा फिलिपोस मार क्रिसोस्टम, अलेक्जेंडर कटगिन, रामचंद्रन नागस्वामी और वेद प्रकाश नंदा को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। साथ ही गुमनाम नायकों को सम्मानित करने के अपने वादे को पूरा करते हुए सरकार ने गरीबों की सेवा करने वाले, मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल खोलने वालों और जनजातीय कलाओं को वैश्विक रूप से लोकप्रिय बनाने वाली शख्सियत पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की है। इनमें हर्बल औषधि तैयार करने वाली केरल की आदिवासी महिला लक्ष्मी कुट्टी, वैज्ञानिक खिलौना बनाने वाले अरविंद गुप्ता, गोंड कलाकार भज्जू श्याम और स्वतंत्रता सेनानी सुधांशु विश्वास शामिल हैं। 1954 से शुरू हुए पद्म पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिए जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।